हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल होम ऑटोमेशन पर। मैं हूं आप सभी के साथ सिमी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम ऑटोमेशन, जहां मैं आपको बताती हूं घर से जुड़े सामान के बारे में। अगर आप नया लेने की सोच रहे हैं तो कैसा लें, क्यों लें और कब लें, और साथ ही ये भी बताऊंगी आपको कौन कौन सी चीज़ें घर में लेकर आनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सीलिंग फ़ैन के बारे में। अगर आप भी सोच रहे हैं नया सीलिंग फ़ैन लेने के लिए तो ये वीडियो देखें लास्ट तक और जाते जाते मेरे चैनल होम ऑटोमेशन को सब्सक्राइब कर लें। सीलिंग फ़ैन लेते समय सबसे पहले तो आप अपना बजट डिसाइड कर लें कि आपका बजट कितना है। उस बजट के अकॉर्डिंग आप अपना फ़ैन ले लें। अक्सर कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें फ़ैन लेना है तो ठंड के मौसम में लेंगे क्योंकि सस्ता मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फ़ैन लेना है तो आप गर्मी के मौसम में लें, क्योंकि तब वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप गर्मी के मौसम में ही, जब आपकी ज़रूरत हो तभी फ़ैन लें। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना रूम साइज़ डिसाइड कर लें। अगर आपका कमरा 10x10 का है तो 48 इंच का 12mm का फ़ैन बेस्ट होता है। अगर छोटा है तो फ़ैन छोटा लें। अगर आपका रूम बड़ा है तो दो फ़ैन लगवाएं। थर्ड चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फ़ैन का मोटर होता है वो हमेशा कॉपर का होना चाहिए। ऐसा होने से फ़ैन जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और कोई डैमेज भी नहीं होता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप फ़ैन ले रहे हैं तो उसका मोटर आपको हमेशा कॉपर का लेना चाहिए। नॉइज़ ना करे बिल्कुल। ऐसा बहुत सारे आपने फ़ैन देखे होंगे दूसरों के घर में जो चलते हैं तो आवाज़ करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप फ़ैन ले रहे हैं तो याद रखें कि वो नॉइज़ ना करे। आप ये चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि हम घर पर लेकर आएं और फिर चेक करें। इसलिए आप शॉपकीपर से ये चीज़ पूछ लें कि ये फ़ैन नॉइज़ करेगा या फिर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पंखा बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे तो आप स्टाइलिश भी ले सकते हैं, लेकिन स्टाइलिश के साथ साथ आप ये सारी बातें भी ध्यान में रखें। ऐसा बहुत सारे फ़ैन हैं जो कि 3 पंखुड़ियों के 4 पंखुड़ियों के आते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मिथ फैला रखी है कि 3 वाला ही अच्छा होता है, 4 वाला नहीं होता है अच्छा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फ़ैन ले रहे हैं तो CMM याद रखें, यानी कि क्यूब मीटर पर मिनट, फ़ैन कितने स्पीड से चल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ़ैन जितने स्पीड से चले उतना अच्छा। जी हाँ, इसीलिए क्यूब mm ये चीज़ याद रखें, क्यूब मिनट पर सेकंड, तो वो कितने स्पीड से चल रहा है ये बताता है। और आप ये भी चीज़ याद रखें कि फ़ैन हमेशा डस्ट फ्री कोटिंग होता है आना चाहिए, ये फ़ीचर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये फ़ीचर बहुत ही आम है। आजकल बहुत सारे लोग अपने फ़ैन को बेचने के लिए ये फ़ीचर रख रहे हैं, लेकिन आप इस फ्यूचर में ज़्यादा अपना पैसा वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। डबल बॉल बियरिंग, यानी कि जितना भी कॉपर है, जितना भी स्टफ़ लगा हुआ है फ़ैन में, उसकी डबल बियरिंग हो, इससे फ़ैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाते जाते आप मेरे चैनल होम ऑटोमेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।